सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A80 के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A80 को 10 अप्रैल को अनाउंस किया गया था और बताया गया था कि मई के लास्ट वीक से यह स्मार्टफोन सभी कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगा बाय करने के लिए। तो अगर आप वेट कर रहे थे तब से कि सैमसंग गैलेक्सी A80 फाइनली इंडिया में कब आएगा, तो जी हाँ, फाइनली ये स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है 29 मई से, और 29 मई से इस स्मार्टफोन को आप बाय कर सकते हैं इंडिया में। तो सभी लोगों का डाउट है कि इस फ़ोन की प्राइसिंग यहाँ पर सैमसंग क्या रखेगा, क्योंकि सैमसंग की तरफ से काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, काफ़ी इनोवेशन यहाँ पर सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के साथ किया है। आपको रोटेटिंग कैमरा का सेटअप दिया है, तो डेफिनेटली इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी यहाँ पर हाई रहने वाला है। तो क्या इस फ़ोन की प्राइसिंग क्या होगा और इस फोन हमको क्या क्या स्पेस मिलता है जिसके वजह से ये फ़ोन और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बात करते हैं कुछ स्पेस की जो कि आपको इस फोन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। काफ़ी कमाल का आपको डिस्प्ले मिलेगा, कोई नोच कोई पंच होल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब आपका जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आप काफ़ी हैवी गेम्स खेलेंगे या फिर अगर आप कंटेंट देखते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा यहाँ पर आने वाला है। बात करते हैं चिपसेट के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट, और जी का मतलब है गेमिंग। तो ये जो चिपसेट क्वालकॉम ने बनाया है ये बेसिकली गेमिंग के लिए बनाया है, और चिपसेट काफ़ी पावरफुल है। इसमें आप हैवी गेम्स, हैवी मल्टीटास्किंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी लैग देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। एड्रिनो का 618 आपको यहाँ पर GPU भी देखने को मिल जाता है, इसका मतलब काफ़ी पावरफुल ये चिपसेट है। साथ में आपको 8GB का रैम मिलेगा और 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर मिलने वाली है। बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा का सेटअप, और सेम वही कैमरा रोटेट होकर फ्रंट में आ जाएगा जब आप फ्रंट कैमरा ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो थर्ड कैमरा है वो है 3D डेप्थ सेंसर TOF, मतलब टाइम ऑफ लाइट आपको मिलेगा थर्ड कैमरा, जो थर्ड सेंसर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर जो कि काफ़ी अच्छा है। बैक साइड में आपको कुछ फिंगरप्रिंट नहीं मिलने वाला है। साथ में 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ का 5 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट का ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, और 3700 mAh की बैटरी मिलेगा, और आपको यहाँ पर 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जर सैमसंग की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फ़ोन का स्पेस काफ़ी पावरफुल है। फ़ोन में आपको कुछ नए टेक्नोलॉजी सैमसंग की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसके लिए लोग एक्साइटेड है। आपको रोटेटिंग कैमरा का सेटअप मिल रहा है, जो कि सैमसंग के स्मार्टफोन आपको पहली बार देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग की, क्योंकि देखिए सैमसंग आपको इतना कुछ दे रहा है। 730G वाला आपको चिपसेट मिल रहा है, फुल व्यू डिस्प्ले है आपको, कोई नोच पंच होल नहीं मिल रहा है, तो प्राइसिंग थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स की हम लोग माने तो इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो लगभग 45,000 से ऊपर रहने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लेने का सोच रहे थे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये जो मेन पार्ट मैं अभी बोल रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस फ़ोन का जो प्राइसिंग है वो लगभग 45,000 से ऊपर रहने वाला है। अब 45,000 से अगर ये स्मार्टफोन ऊपर रहता है, या फिर पकड़ लीजिए 50,000 के आसपास इस फ़ोन की प्राइसिंग रखता है इंडिया में, तो मैं आप लोगों के पास दो ऑप्शन देता हूँ। क्या आप वन प्लस का 7 Pro लेंगे या फिर सैमसंग गैलेक्सी A80 लेंगे, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर सैमसंग इस फ़ोन की प्राइसिंग 40,000 के अगर अंदर रख देना तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर डील होगा। लोग तो इसको 30,000 में लेने का सोच रहे हैं, लेकिन सैमसंग इतना कम तो नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर 40,000 भी रखे इस फ़ोन की प्राइसिंग तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर ये होने वाला है। अब आप लोगों का क्या रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, फ़ोन में आपको सभी कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन हाँ प्राइसिंग भी एक मैटर करता है। क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा वो भी हमें देख के स्मार्टफोन को लेना है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।